गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या लकम मेमोरियल CBSE स्कूल मुगल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हरिहर काका पाठ समाप्त करते हुए पाठ के पीछे जो प्रश्न है वो प्रश्नोत्तर चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर उसमें 10 प्रश्न है बच्चों। उसमें हम पिछले कक्षा में 3 प्रश्न चर्चा किए, ठीक है। तो आज इस कक्षा में हम तो बाकी 7 प्रश्न है, उन 7 प्रश्नों के उत्तर क्या है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों देखेंगे तो फोर्थ मतलब चौथा प्रश्न क्या है। अनपढ़ होते हुए भी हरियर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देख लो क्या कहते उन्होंने, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ सकते हैं। मतलब दुनिया के बारे में उन्हें बहुत सारी जानकारी थी, किसे, हरिहर काका। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए, जिस तरह इस दुनिया के बारे में उन्होंने समझ लिया था तो कहानी के आधार पर आप क्या करना है, स्पष्ट करना है। आइए बच्चे देखेंगे चौथा प्रश्न का उत्तर क्या होता है। तो मैं पढ़ता हूँ, क्या करो आप ध्यान से सुनो बच्चों। अनपढ़ होते हुए भी हरियर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी जमीन जायदाद उनके पास है तब तक कभी उनका सॉरी सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुर बारी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बारी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण करते हैं। हरियर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी और के नाम लिख दी थी, ठीक है। बाद में उनका जमीन सॉरी जीवन नरक बन गया था। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं उन्होंने, हरियर काका कहते हैं मतलब इस दुनिया को उन्होंने जिस तरह समझ लिया, दुनिया के बारे में उन्होंने क्या समझ लिया था कहानी के आधार पर स्पष्ट करने के लिए कहते हैं, ठीक है। अब सुन ले बच्चों आप, हरियर काका समझ लिया है भाइयों अब उनका क्या वह सम्मान या आदर से देख रहे हैं या उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, यह सब जायदाद के कारण, समझ में रहे ना। और महंत भी अब क्या उसे समझा जा रहा है वो भी क्या है, तो उसकी वह लालच गुण है महंत जी में, तो इस तरह सोचकर। और गांव में भी हरियर काका एक उदाहरण देख लिया था, एक व्यक्ति ने अपना पूरा जायदाद जीते ही उन्होंने दूसरों के नाम पर लिख दिया था तो उस समय उसका बहुत हालत बहुत खराब हो गया था, ठीक है, कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए यह देखकर हरियर काका फैसला करता है कि जीते जी मैं जमीन किसी के नाम पर नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये तो चौथा प्रश्न का उत्तर है बच्चों। पांचवा देखेंगे, हरियर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। देखो हरियर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, जबरन मतलब जबरदस्ती से, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, बर्ताव मतलब व्यवहार किया। महंत के संकेत पर ठाकुर बारी के साधु संत हरियर काका को उठाकर ले गए थे। पहले उन्हें समझा बुझा कर सादे कागज पर अंगूठे का निशान लेने का प्रयास किया गया। सफलता न मिलने पर जबरदस्ती निशान लेकर हाथ पांव और मुंह बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये तो छठवां प्रश्न का उत्तर है बच्चों। हरियर काका के पांचवा ठीक है, हरियर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे,
आप कहानी सुने हो महंत जी के आदेश के अनुसार, ठीक है, या संकेत के अनुसार ठाकुर बारी के साधु संतों ने क्या किए थे, उसे उठाकर ले गए थे। उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, मतलब जिस तरह व्यवहार किया, तो उधर ले जाने के बाद वे क्या करते हैं, पहले उन्हें समझाने के लिए, ठीक है, समझा बुझा कर सादे कागज पर अंगूठे का निशान लेने का प्रयास किया गया, ठीक है। लेकिन उधर क्या होता है, हरिहर काका वो समझता है इनका, ठीक है, क्या उद्देश्य है। वह हरिहर काका समझ कर वो क्या करता है, अंगूठे का निशान करने के लिए तिरस्कार करता है। देखो, अंगूठे का निशान लेने का प्रयास किया गया, सफलता न मिलने पर, उन लोगों को सफलता न मिलने पर जबरदस्ती निशान लेकर हाथ पांव मुंह बांध कर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था। तो पांचवा प्रश्न का उत्तर है बच्चों, आगे देखेंगे छठवा, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। हरिहर काका के मामले में, मतलब विषय में, गांव वालों की क्या राय थी, उनका क्या सोच था और उसके क्या कारण थे। छठवा प्रश्न बच्चों देख लो, हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों के दो वर्ग बन गए थे। दोनों ही पक्ष के लोगों की अपनी अपनी राय थी। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे, उनका कहना था कि काका की जमीन हक, तो जमीन पर हक तो उनके परिवार वालों का बनता है। काका को अपनी जमीन जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए, ऐसा न करना अन्याय होगा। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि महंत हरिहर की जमीन उनको मोक्ष दिलाने के लिए लेना चाहता है, काका को अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम लिख देनी चाहिए, तो इससे उनका नाम या यश भी फैलेगा और उन्हें सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जितने मुंह थे उतनी बातें होने लगी। प्रत्येक का अपना मत था। इन सब को एक कारण था कि हरिहर काका विधुर थे और उनकी अपनी कोई संतान न थी जो उनका उत्तराधिकारी बनता। 15 बीघे जमीन के कारण इन सब का लालच स्वाभाविक था। इन सब का मतलब घर वालों हो या महंत जी की, ठीक है। तो इस तरह क्या है बच्चों, छठवां प्रश्न का उत्तर है। आगे सातवां देखो, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा, ठीक है। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह क्यों कहता है लेखक जी, देखो इधर, अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ठीक है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है, कभी इस तरह क्यों कहते हैं, देखेंगे बच्चों। आइए, लेखक ने यह इसलिए कहा है क्योंकि अज्ञान की ही स्थिति में, अर्थात संसारिक आसक्ति या नश्वर संसार के सुख की इच्छा के कारण ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ठीक है। जब उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि मृत्यु तो अटल सत्य है, क्योंकि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तथा जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो इस मृत्यु के माध्यम से प्रभु हमें नया शरीर और नया जीवन देते हैं, तब वे मृत्यु से घबराते नहीं, डरते नहीं, बल्कि मृत्यु आने पर उसका स्वागत करते हैं, अर्थात उसका वर्णन
करते हैं। ठीक है ये बच्चों, छठवां प्रश्न का सॉरी सातवां प्रश्न का उत्तर है वो आप कहानी सुनते समय मतलब पाठ पढ़ते समय आप देख लिए हैं। ठीक है यह वाक्य आया था बीच में, उसके बारे में आपको मैं कहा था, जब मनुष्य अज्ञान के समय होता है या अज्ञान में रहता है तो उस समय वह मृत्यु से, ठीक है मृत्यु से डरता है, समझ में आ रही ना। मतलब उस समय अज्ञान जब जब मनुष्य स्वार्थी बनता है या स्वार्थी हो जाता है या मनुष्य में स्वार्थी के गुण उगते हैं पैदा होते हैं उस समय उन्होंने मृत्यु से डरता है, समझ में आ रही ना। वही कहते हैं उन्होंने भी, क्या कहते हैं उन्होंने, मनुष्य में मनुष्य पे अज्ञान की ही स्थिति में मतलब वो कब अर्थात सांसारिक आसक्ति या निश्वर संसार के सुख की इच्छा के कारण, समझ में आ रहे ना, मनुष्य क्या करता है मृत्यु से डरता है। जब उन्होंने इस संसार के बारे में हो है ना या जीवन के बारे में वह समझ लेता है, जब उसे ज्ञान आ जाता है तो उस समय वो मृत्यु को खुशी से स्वागत करता है, समझ में आ रहा है ना। यही लेखक जी हमें इस उक्ति से यह विषय समझाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। बच्चों आगे आठवां प्रश्न है, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है तो इस समाज में इस धरती पर हम जीने वाले समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, रिश्ता मतलब संबंध, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। समझ में आ रहे ना। आज देखेंगे बच्चों उसका उत्तर क्या होता है। आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते नाते निभाते हैं। जब रिश्तों से ज्यादा रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सीधी की अहमियत है, रिश्ते ही उसे अपने पराये में अंतर करने की पहचान करवाते हैं। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका निरित होती है। रिश्ते ही सुख दुख में काम आते हैं। यह सुख की बात है कि आज के इस बदलने दौर में रिश्तों पर स्वार्थी की भावना हावी होती जा रही है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त हो गया है। इस कहानी में भी यदि पुलिस न पहुंचती तो परिवार वाले काका की हत्या कर देते। इंसानियत तथा रिश्तों का खून तब स्पष्ट नजर आता है जब महंत तथा परिवार वालों को काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि उनकी हत्या न कर पाने की अफसोस है। ठीक है ठीक इसी प्रकार आज रिश्तों से ज्यादा धन दौलत को अहमियत दी जा रही है, मतलब महत्व। ठीक है लेखक जी बहुत अच्छी तरह से इधर समझाने के लिए कोशिश किए बच्चों ने। तो इस समाज में या तो इस तरह समाज में हरिहर काका के जीवन में क्या घटना घटी है, ऐसे अनेक घटनाएं हम देखते रहते हैं रोज बच्चों। जायदाद के लिए या संपदा के लिए क्या होता है, इस धरती पर रोज अनेक मृत्यु होते हैं। तो इसी तरह तो यह सब देखकर हम यह कह सकते हैं कि तो इस दुनिया में या इस समाज में लोग रिश्तों से भी ज्यादा संबंध से भी ज्यादा लोग क्या करते हैं, जायदाद या संपदा को ही महत्व देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने किसी के साथ धोखेबाजी करना या किसी को भी उन्होंने मारने के लिए भी पीछा नहीं करते। ठीक है तो यह विषय लेखक जी हमें समझाने के लिए कोशिश किए है बच्चों। ठीक है तो आगे नाइन्थ वन, यदि आपके
आसपास हरियर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? समझ में आ रहे ना? तो आपके घर के आसपास हो या समाज में हो, ठीक है, आपके आसपास काका जैसे हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? ठीक है, देखेंगे बच्चों। यदि हमारे आसपास हरियर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उसकी सहायता निम्न प्रकार से करेंगे, मतलब इस प्रकार से हम उनकी सहायता करेंगे या मदद करेंगे। किस प्रकार? पॉइंट्स करके लिखना पड़ता है बच्चों। सबसे पहले हम उसके घर वालों को समझाएंगे कि वे अपने पुनीत कर्तव्य के प्रति सचेत रहे, ठीक है। दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, असहाय व्यक्ति की खान पान, रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था समयानुसार करें, हमारे अनुसार, या हम जिस तरह उनकी सहायता करें उसके बारे में पहले घर वालों को समझाने के लिए कोशिश करना। तो क्या है हमारा कर्तव्य, क्या है उसके बारे में उनको जागृत करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट है, असहाय व्यक्ति की खान पान और रहन सहन, वस्त्र आदि की व्यवस्था समयानुसार करें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों तीसरा, उसके परिवार के सदस्यों को समझाएंगे कि असहाय व्यक्ति की यदि तुम सहायता करोगे तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, अर्थात उनकी जमीन संपत्ति स्वतः ही तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है, धूर्त महंत पुजारी साधु आदि की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे, ठीक है, और पुलिस को बताएंगे कि इनकी आंखों पर लालच का चश्मा लगा हुआ है, ये असहाय व्यक्ति की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भाइयों महंत साधु व पुजारियों की खबर मीडिया को देंगे ताकि उनका दुष्टाचार हो सके, ठीक है, साथ ही सरकारी हस्तक्षेप से उन्हें अपने की किए की सजा मिल सके, साथ ही हरियर काका जैसे व्यक्ति को न्याय मिल सके। तो इस तरह हम हमारे आसपास में हरियर काका की हालत में कोई हो तो इस तरह के रिश्ता अपना कर हम क्या करते हैं, या इस तरह के योजनाएं बनाकर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की सहायता करते हैं, ठीक है। तो लास्ट बच्चों दसवां प्रश्न है, हरियर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। समझ में ना, हरियर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों दसवां प्रश्न का उत्तर मैं पढ़ता हूं तो आप यही लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं चर्चा कर रहा हूं, आप किताब और एक बार पढ़कर, ठीक है, या आप कहानी अच्छी तरह से सुने हैं फिर और एक बार किताब पढ़कर आप अपने शब्दों में लिखने के लिए भी कोशिश करो, ठीक है। देख लो दसवां प्रश्न का उत्तर इस तरह है, हरियर काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था, उससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे, वे बिल्कुल चुप रहते थे, किसी की भी कोई बात का कोई उत्तर नहीं देते थे। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज मीडिया की अहम भूमिका है, लोगों को सच्चाई से अवगत करना उसका मुख्य कार्य है, जनसंचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है, तो इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना आसान है। यदि हरियर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो शायद स्थिति थोड़ी भिन्न होती, वे
अपनी बात लोगों के सामने रख पाते और स्वयं पर हुए अत्याचारों के विषय में लोगों को जागृत करते। हरिहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाती, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में मदद करती। जिस प्रकार के दबाव में जी रहे थे वैसी स्थिति मीडिया की सहायता मिलने के बाद नहीं होती। ठीक है, तो हरिहर काका के गांव में मीडिया हो तो क्या होता था, उसका स्थिति बदल जाता था। ठीक है, तो हरिहर काका को क्या अन्याय हो रहा है उसके बारे में मीडिया क्या करता था, यह सब विषय लोगों को दिखाता था, तो उससे तो गांव के हो या देश के लोग जागृत होकर हरिहर काका को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करते। ठीक है, तो यही तो क्या है, लोगों को न्याय दिलाना ही मीडिया का कर्तव्य है। तो इसलिए तो उसका स्थिति क्या होता था, बदल जाता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लिए आप। तो हरिहर काका के हरिहर काका पाठ के बारे में और पाठ के पीछे जो प्रश्न है प्रश्नों के बारे में भी आप चर्चा, प्रश्नों का उत्तर क्या है वह भी आप अच्छी तरह से सुन लिए हैं। बच्चों यहाँ तक क्या होता है, आपको परीक्षा के लिए मतलब अब क्या परीक्षा चल रहे हैं, शायद अगले हफ्ते में हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अर्धवार्षिक या फर्स्ट टर्म बोलते हैं आप, परीक्षा शायद अगले हफ्ते में हो सकते हैं, तो उसमें आपको मतलब उस प्रश्न पत्र में इस पाठ तक मतलब हरिहर काका पाठ तक प्रश्न आते हैं। इसलिए आप क्या करना है, हरिहर काका पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है और पीछे जो प्रश्न है उसे ठीक तरह से आप पढ़ना है। ठीक है, बार बार पढ़कर परीक्षा के लिए आप अच्छी तरह से तैयारी करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक यह पाठ पूरा समाप्त हो गया है, तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे। बच्चों धन्यवाद।